परमेश्वर की महिमा के लिए एक और टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम पिंकी है। ये बहन सूरपुर लुधियाना के रहने वाले है। इस बहन की गवाही है कि पिछले काफी समय से इनकी बॉडी में लगातार दर्द रहता था, जिस कारण ये बहन अच्छे से उठ बैठ नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे और अपने घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। दर्द के कारण ये बहन सारी सारी रात सो नहीं पाते थे। ये बहन काफी परेशान हो चुके थे। इन्होंने लगातार दवाइयां खाई, लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी इन्हें किसी भी तरह का कोई भी आराम नहीं मिला। फिर 3 मार्च 2024 यूनाइटिंग ऑयल मीटिंग में ये बहन विश्वास के साथ चर्च भवन आए और मास प्रार्थना के दौरान जब परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि हर तरह का दर्द का दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रहा है, आप हील होने जा रहे हो, उन सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव करा, उसी टाइम परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और इन्हें ऐसा लगा कि इनके अंदर से कुछ निकल कर गया है। इन्होंने अपनी बॉडी में पूरी तरह से हल्कापन महसूस किया और जब इस बहन ने अपने आप को चेक किया तो ये बहन प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे। वो बीमारी का दुष्ट आत्मा इन्हें पूरी तरह से छोड़ कर गया। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील किया। इस बड़ी हीलिंग के लिए बहन परमेश्वर और परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे सबसे जोर से परमेश्वर की। सिस्टर मोना की सुनेंगे। ये बहन सूरपुर लुधियाना के रहने वाले हैं। ये बहन 10 साल से मसीह में और 2 महीने से द चर्च ऑफ पीस एंड हीलिंग मलकपुर लुधियाना चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। इस बहन की गवाही है कि काफ़ी समय से इन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था और पूरी बॉडी में लगातार दर्द रहता था, जिस कारण इस बहन को उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत परेशानी होती थी। बुखार की वजह से ये बहन कुछ खा नहीं पाते थे, जिस कारण ये बहन बहुत वीक हो चुके थे। ये बहन काफ़ी परेशान रहने लगे। फिर 3 मार्च 2024 संडे यूनाइटिंग ऑयल मीटिंग को परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि सज्जन अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे और अंगीकार करें कि यीशु के कौड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उन सामर्थी शब्दों को पूरे फेथ के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इस बहन ने अपना फीवर चेक किया तो इनका फीवर पूरी तरह से उतर चुका था। वो बीमारी का गंदा दुष्ट आत्मा इन्हें पूरी तरह से छोड़ कर गया। इस बड़े छुटकारे के लिए बहन परमेश्वर और परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे सबसे जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए। सुनेंगे। इस भाई का नाम गगनदीप है और ये भाई प्रतापपुरा लुधियाना के रहने वाले हैं। ये भाई 3 साल से मसीह में है और 4 महीने से सूरज भार मसीह मिनिस्ट्री मलकपुर लुधियाना चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। इस भाई की गवाही ये है कि पिछले 8 साल से भाई बीड़ी का नशा करते थे। ये भाई एक दिन में 2 पैकेट बीड़ी के पी जाते थे। ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था।
इस भाई को खांसी रहनी शुरू हो गई थी और ये भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। इन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन ये भाई छोड़ ही नहीं पा रहे थे। फिर लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। फिर ये भाई लगातार चर्च आते रहे। फिर 7 फरवरी 2024 बुधवार मीटिंग में जब ये भाई मलिकपुर लुधियाना चर्च में आए और जब परमेश्वर के दास ने इस भाई के सिर पर अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा ले हैंड प्रार्थना की, इस भाई को ऐसा लगा जैसे इनके अंदर से कुछ निकल कर गया। पवित्र आत्मा की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें तुरंत छुआ और बॉडी पूरी तरह हल्की हो चुकी थी। और अब 1 महीने से भाई कोई भी नशा नहीं करते, नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह आजाद है। इस बड़े छुटकारे के लिए भाई परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, खड़े हो जाए, परमेश्वर की तारीफ करते जाए जोर से सभी जन।